हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भंडार साइंस में। और मैं हूँ अजय, लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ। आज हम देखने वाले जूल्स लॉ होता क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि जूल्स लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो उसकी डेफिनेशन है, द रेट एट विच इट इज प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट इन एनी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो दोस्तों, जब हम एक सर्किट सेटअप करते हैं तो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट करते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। उसे हमें मेजर करना है जूल्स लॉ की मदद से। तो हम देखेंगे कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है और हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अब प्रोसेस ऑफ हीटिंग, हीटिंग कैसे होती है। ओके, फर्स्ट, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द बैटरी। These moving free electrons collide with the atoms of metal. At each collision, a part of kinetic energy of electron converts into heat. The temperature of conductor begins to rise. Okay, तो अब हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये आ गई हमारी स्लाइड। तो इसमें आपको देख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, मेटल एटम्स, तो ये सारा ऐसा स्ट्रक्चर है कंडक्टर का। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लेड में और है बाकी के एटम्स। जब हम कंडक्टर को बैटरी से अटैच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे दिख रहे हैं और कुछ वैसे ही पड़े हैं। तो जब ये फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तब ये काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे और यहाँ पे हीट जनरेट करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं हीट जनरेशन या फिर हीट की उत्पत्ति होना। तो हम अब देख लेते हैं इक्वेशन, इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे जूल्स लॉ का। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही वोल्टेज। तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। तो बेसिकली ओम्स लॉ से हमें V मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर, और Q मतलब चार्ज। Q को हम कैसे निकाल सकते हैं, Q मतलब चार्ज, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, यहाँ पे I है करंट और T है टाइमिंग। सो हमारा इक्वेशन होता है W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी। सो द फाइनल इक्वेशन इज W इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यहाँ पे है स्क्वेयर है, मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, स्क्वेयर ऊपर इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, आप समझ लीजिएगा। और ये सब हम जूल में दिखाते हैं, ऐसा यूनिट इसका जूल है। दोस्तों, हमें वर्क का इक्वेशन तो मिल गया आई स्क्वायर आर टी, जूल मतलब इसका ऐसा यूनिट है जूल, हम इसे जूल्स में नापते हैं या मेजर करते हैं। लेकिन हीट एनर्जी हमें कैलोरी में मेजर करनी है, तो हमें जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है। We express heat energy into calorie. तो 4.18 joule is equal to 1 calorie होता है। तो 1 joule मतलब 1 by 4.18 calorie. Simply इस 4.18 को यहाँ पे भेज दीजिए, आपको 1 joule मतलब ये मिल जाएगा calorie का equation. तो heat in calorie, H is equal to I square
आर टी अपॉन 4.18। यहाँ पे मीनिंग मैं फिर से बता देता हूँ, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस और टी मतलब जितना टाइम चार्ज ले रहा है फ्लो होने के लिए। दोस्तों ये थी जूस लॉ के ऊपर एक छोटी सी सिंपल सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आजकल मुझे सब्सक्रिप्शन मिल ही नहीं रहा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये दोनों वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।